हेलो एवरीवन, मैं हूँ विवा और आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग, अभी गुड मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। गुड मॉर्निंग तुरंत अभी आफ्टरनून का भी टाइम हो जाएगा क्योंकि अभी 11:30 हो रहा होगा ऐसा क्या, मतलब कि लगभग अभी मतलब कि आज बृहस्पतिवार का दिन है तो आज मतलब कि सारा साफ सफाई करना, मतलब कि पूरा डीप क्लीनिंग ही होता है आज बोले तो, क्योंकि पूजा पाठ भी करते हैं बृहस्पतिवार के दिन, तो सारा चीज़ की है। फिर अभी 11 बजे ब्रेकफास्ट बनाया है, मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड ने किया है, वो गए हैं मतलब कि सब्जी वब्जी लेने के लिए, तो वो आएंगे फिर उसके बाद करेंगे। मुझे भूख लग रहा था इसलिए मैं तो कर भी ली, और फिर खाना वाना भी साथ में बना ली। आज दाल चावल और आलू का भुंजिया बनाई हूँ, और आलू का भुंजिया मेरा फेवरेट है वैसे तो बहुत लोगों का फेवरेट है, दाल के साथ वैसा आलू भुंजिया ही अच्छा लगता है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, और मेरा ब्लॉग आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इवनिंग का टाइम हो रहा है और अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, मतलब कि उस सुबह से अभी मिल रही हूँ, तभी मतलब कि अब से तो बात की थी, उस समय बोली थी कि 11:30 बज रहा था, तो वहीं थोड़ा देर के बाद फिर टाइम हो गया लंच का, फिर लंच के 1 बजे आसपास, फिर उसके बाद रेस्ट कर रहे थे। रेस्ट करने के बाद अभी उठे, फिर कपड़े उपड़े बहुत ज़्यादा थे तो फिर कपड़े उपड़े धोए, सुबह में तो धोए नहीं क्योंकि सुबह में काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है ना, तो फिर पूरा कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा धूप में सुखाने से, इसलिए हम लोग अक्सर आजकल मतलब कि ऐसे शाम के समय में ही मतलब कि धोने का प्रयास करते हैं। तो अभी सब धो लिए हैं कपड़े और गर्मी लग रहा है, जूड़ा उड़ा बांध लिए हैं और आप लोग से बात करने आ गए हैं। तो आज मैं बताती हूँ मेरे मतलब कि क्या बोलूँ, मेरी शादी के समय की बात है कि आप लोगों ने पहले भी एक न्यूज़ सुना था कि किसी मतलब कि नाम तो मुझे अभी तक नाम याद था लेकिन मैं भूल ही गई, मैं जैसे आप लोगों से बात करने आई वैसे भूल गई उसका नाम। तो वैसा मतलब कि एक था सिपाही था, तो फिर उनका शादी हुआ, शादी के दूसरे दिन वो चले गए ड्यूटी में, दूसरे तीसरे दिन वो मतलब कि एक्सपायर हो गए, और उसके चौथे दिन उसका बर्थडे था। इस तरीके से आप लोग सुने भी होंगे, बहुत सारे सुने ऐसा न्यूज़ भी कि अब तक तो ऐसा मतलब कि उसका न्यूज़ आता ही होगा, आप लोग ऐसा देख भी सकते हैं। तो उसी तरह का मेरा भी एक कहानी था, मतलब कि उस तरीके का नहीं लेकिन था शादी, जैसे कि मेरा शादी हुआ ना उसके दूसरे तीसरे दिन, उसके मतलब कि जिस दिन मेरे घर में बारात आए उसके दूसरे दिन मतलब कि मेरे ससुराल में रिसेप्शन था, तो रिसेप्शन के दूसरे दिन फिर हम मायके आते हैं। मायके आए उस दिन मतलब कि मेरी मम्मी पापा पूछे मेरे हस्बैंड से कि मतलब कि कब तक छुट्टी है ऐसा करके, तो ये बोल रहे हैं कि छुट्टी तो है नहीं अभी कल ही जाना है ऐसे बोल के, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा क्या बोले डर जैसा लगने लगा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं है फिर हम क्या करेंगे अकेले, अभी तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं। फिर मतलब कि एक होता है ना कि नए माहौल में जाना, फिर कोई ना रहे मतलब कि अपना कुछ बोलने वाले, मतलब कि खुल के किसी से बात भी नहीं कर सकते ना, जैसे कि हम इनके साथ अभी फ्रैंक है, कोई भी अपने हस्बैंड वाइफ के साथ तो फ्रैंक होता है, चाहे वो आज शादी हुआ या कल शादी हुआ तो फ्रैंक हो ही जाता है, लेकिन पूरे फैमिली के साथ फ्रैंक होने में टाइम लगता है। तो वही मेरे साथ हुआ, फिर ये बोले कि मुझे तो जाना है कल ही निकलना है, मैं तो पूरी रात भर पूरा सोच में पड़ गई कि मेरा क्या होगा क्या होगा, मतलब कि ऐसे फिर चली गई ससुराल उस दिन, मतलब कि मायके आई फिर उसी दिन शाम में ससुराल चले जाते हैं, फिर ऐसे ससुराल चली गई, फिर दूसरे दिन पूरा पैकिंग वैकिंग हो रहा है इनका जाने का, सामान वामान सब ला रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है लेकिन क्या करें, मजबूरी था, इनको जाना था और मुझे रहना था ससुराल में, तो फिर चलो किसी तरह मतलब कि सुबह हुआ, सुबह होके फिर उसके बाद नाश्ता पानी हुआ, फिर उसके बाद जाने का तैयारी हुआ, मतलब कि हमारे साइड से ही जा रहे थे मेरे घर साइड से ही, तो मुझे पता नहीं था कि कैसा रहना है कैसा नहीं, तो फिर मेरा देवर था तो मेरे देवर और मैं इनको छोड़ने के लिए आई, छोड़ने के लिए आई और उसके बाद ये चले गए बस में बैठे फिर चले गए। फिर मैं सोची कि चलो एक बार मतलब कि मायके होके भी आ जाती हूँ, फिर मायके गई, मायके जाकर तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा, चुपचाप एक रूम में गई, फिर उसके बाद मेरी मम्मी नहीं थी शायद, मेरे पापा थे, मेरी मम्मी कहीं मतलब कि मार्केट वर्केट गई हुई थी,
तो मेरे पापा थे, मेरे पापा से बात उत हुआ, फिर उसके बाद मैं मतलब कि अंदर के रूम में बैठ गई और उसके बाद अकेले रोने लगे कि अब मतलब कि मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जो होना था होगा ही। फिर मैं चली, फिर बहुत, फिर मम्मी भी आई, मम्मी को फ़ोन किया था कि मैं घर आई बोल के, फिर मम्मी भी आई, फिर मम्मी से मतलब कि मुलाकात हुआ। और वैसे शाम भी हो जा रहा है अब तो, मतलब कि जाने का मन तो नहीं कर रहा है, फिर मेरे देवर बोल रहे हैं कि घर चले, तो ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर बोला चलो तब टाइम हो ही गया है वैसे तो चलेंगे। तो मम्मी बोले कि ठीक है तब जाओ ऐसे कह के। अब हम जाने को तो हाँ बोल दिए, लेकिन मन से तो था नहीं कि नहीं जाए, लेकिन अब शादी हो गया है भाई, वही अपना घर है, ऐसे बोल के फिर मैं चलो चली गई। जाने के बाद मेरा तो क्या बोले, पूरा मन ध्यान कहीं नहीं था बिल्कुल भी, पूरा रोना आता था मुझे, डेली रोती थी शाम के समय, रात के समय जब सब लोग सो जाते थे तो मैं भी अपने रूम में जाके पूरा रोती थी कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर इनको भी मैं बार बार फोन करती थी कि मतलब कि और छुट्टी मिल जाए तो फिर आ जाइए बोल के, क्योंकि मैं किसी से उतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो पाई थी, और गांव के लोग तो आते ही थे मिलने के लिए, तो मैं भी उसे खुल के बात नहीं कर सकती थी, क्या बोलना, किससे क्या बात करना, कौन क्या है, कैसे रहना है, कैसे नहीं। वैसा तो कोई पाबंदी नहीं है रहने होने का, कैसे भी रह लो कुछ भी वैसा नहीं, लेकिन किससे कैसा बात करना है, कौन क्या लगते हैं, कौन चाचा लगेगा, कौन चाची लगेगी, कौन दीदी लगेगी, कौन क्या लगेगा, उतना भी मालूम नहीं था। तो मेरी सास बताती थी किसी किसी को तो हाँ चलो ये है, लेकिन भी सास तो साथ हो, सास होती है, उससे भी डर डर तो होता ही है, मतलब कि कोई भी फर्स्ट टाइम जाए तो उसको लगता ही है, मतलब कि सास से डर लग, अब नहीं लगता है, अब तो फ्रैंकली कुछ भी बात तो मतलब कि बोल देते हैं, और वो भी बोल देती, और कोई भी चीज़ मतलब कि एक माँ बेटी का जैसा रिश्ता है वैसा हो गया है अब तो। लेकिन उस टाइम, अब शादी के दूसरे दिन कोई भी कोई ना कोई तो डरेगा ही, लेकिन वो हमेशा मतलब कि कभी मैं मतलब कि उससे दूर ही रहती थी, पता नहीं क्या बोलेगी क्या नहीं, ऐसे बोल के तो हमेशा आवाज़ दे के बुलाती थी कि आओ इधर बैठो, फिर बात करती थी, फिर इधर उधर का बात करके, फिर भी मुझे मन नहीं लगता था, मेरा मन मतलब कि था ही नहीं वहाँ, बोले तो बस मैं वहाँ थी लेकिन मेरा मन वहाँ नहीं था। मैं बार बार इनको फ़ोन करती थी, फिर ये मतलब कि 10-15 दिन के बाद शायद आए भी, आए हाँ छुट्टी गए, उसके बाद मैं बोली कि जो कुछ तो करो, मतलब कि उनको वो भी छुट्टी गए 10-15 दिन, तो भी बस 1 सप्ताह के लिए गए। अब 1 सप्ताह में होगा क्या, अब इनका जिस दिन ये जा रहा था उस दिन ट्रेन भी इसका छूट गया, तो फिर ये फ्लाइट पकड़ लिए, फिर फ्लाइट दूसरा दिन था, फिर दूसरा दिन पहुँचे, क्योंकि 1 हफ्ता का ही छुट्टी था, नहीं तो फिर ट्रेन के लिए रुक सकते थे दूसरी ट्रेन में, लेकिन था ही नहीं, 1 सप्ताह का था, वैसे भी जाने आने में वैसे 2 दिन चला जाता है, फिर घर में रहेगा 3 दिन, तो फिर वो गए। फिर मैं बोली कि कुछ करिए, मतलब कि आपके साइड ही लेके चलिए, क्योंकि मुझे मतलब कि अभी उतना ज़्यादा मैं यहाँ फ्रैंक नहीं हुई हूँ, और मुझे मतलब कि एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा कि कौन कैसा है, किससे कैसे बात करना है, तो एडजस्ट होने किसी को भी टाइम लगता है, तो मैं भी वही बोली कि एडजस्ट होने के लिए मुझे टाइम से लगेगा, और आप रहते तो हम एडजस्ट हो जाते, मतलब किस किससे कैसा बात करना है आप मुझे बताते, मतलब कोई भी आता तो, तो अब तो है ना, तो बोले कि ठीक है हम भी सोच रहे हैं कि मतलब कि उधर लेके चलेंगे ऐसे करके, या तो फिर मैं बोले कि या आप नहीं भी लेके जा सकते हैं तो मैं जॉब मतलब कि जॉब के लिए कहीं मतलब कि दूसरे स्टेट चले जाती हूँ ऐसे करके, तो ये बोले कि नहीं इधर उधर, फिर घर में भी बात किया ये अपने मम्मी पापा से, मेरे सास ससुर से, तो मेरे ससुर बोले कि क्यों इधर उधर अलग अलग रहना, तो साथ में ही चले जाओ ऐसे बोल के, तो मैं बोली कि ठीक है तब साथ में ही चलेंगे। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट बनवाए, मैरिज सर्टिफिकेट, फिर ये लेके आए, फिर उसके बाद इनका तो वैसा होता ही है गवर्नमेंट का इधर उधर का काम, फिर लंबा चौड़ा वाला, फिर हो गया बहुत दिन हो गया, 2 महीना के लगभग, 2 महीना सोचिए कि मतलब कि शादी के बाद 1 दिन ही रहे, 1 दिन के बाद पूरा 2 महीना ऐसा ही बीत गया मेरा, कोई भी सोच सकता है, कोई भी मतलब कि एक गवर्नमेंट जॉब ऐसा है ना कि उनकी वाइफ को, जैसे गवर्नमेंट जॉब एक मतलब कि हस्बैंड कर रहा है तो उनकी वाइफ को खुद का सहारा खुद बनना पड़ता है, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ वहाँ। मैं सोचती थी कि मेरी मम्मी कैसा रह लेती है, वो कैसा रह लेती है मेरी मम्मी, कि मेरे पापा बाहर जॉब करते हैं तो मेरी मम्मी कैसा रह लेती है, तो मैं मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लगा कि ऐसा कैसे लोग रह लेते हैं, मतलब एक
ही वही तो सहारा होता है, हस्बैंड ही सहारा होता है। अब वही ना रहे घर में तो फिर किसको क्या बोलना है, किसको मतलब कि अगर सर भी दर्द दे रहा है तो किसको क्या शिकायत करना कि मेरा सर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, किसी को बोल नहीं पाओगे। एक वही सहारा होता है। और भी नए नए टाइम, चलो अभी तो मतलब कि पुराने हो गए, ससुराल में रहेंगे तो बोल देंगे चलो सर दुख रहा है या पैर दुख रहा है, बोल दे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा ऐसे। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, जबकि डर होता है, खुद में ही होता है, मुझे भी होता था बाप रे उस समय का। फिर ये मतलब कि एक सप्ताह छुट्टी जाके फिर आए, मतलब कि सर्टिफिकेट वगैरह लेके, फिर यहाँ परमिशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा, एक महीना भी नहीं लगा होगा, मतलब कि 15-20 दिन ऐसा लग गया। फिर 15-20 दिन के बाद फिर ये बोले कि चलो परमिशन तो मिल गया है, मतलब कि रूम ढूंढना पड़ेगा ऐसा करके। फिर रूम भी ढूंढ लिया, उसके बाद फिर मैं इधर आई। फिर मैं सोचती हूँ कि मतलब कि अगर इनका कहीं दूर पोस्टिंग आ जाए या कहीं और चला जाए तो फिर क्या होगा, कैसे रहूँगी मैं, तो उसके लिए भी मैं सोचती हूँ कि कैसे रहूँगी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब कि इस लाइन में जो भी जॉब कर रहे हैं उन लोगों को, तो जैसे गवर्नमेंट जहाँ भी भेजा, गवर्नमेंट जॉब कोई भी होता है कहीं भी, मतलब कि कोई सा भी हो, नर्स हो, पुलिस हो, फौजी हो, या मतलब कि IPS हो, IAS हो, कुछ भी, जितना भी BDO CEO जितना भी है, गवर्नमेंट जॉब जितना भी है इस दुनिया में, उन लोगों को गवर्नमेंट कहीं भी भेजा उनको जाना पड़ेगा, उनकी फैमिली क्या करेगी लगता है। लेकिन क्या करिए, मजबूरी है, जॉब तो करना है, पेट के लिए ही लोग करते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं पेट के लिए। लेकिन ऐसा भी क्या देश का सेवा करना भी ज़रूरी है, सबको करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट देश का ही कुछ काम कर रहा है, देश की रक्षा के लिए कुछ कर रहा है, तो फिर करना होता है, करना चाहिए। तो खुद में मतलब कि एक क्या बोले, खुद में मजबूती लाना पड़ेगा। मतलब कि अभी तो मैं बहुत कुछ, मतलब कि बहुत कुछ देख चुकी, सुन चुकी हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन भी कभी कभी खुद में ही हिचकिचाहट होती है, तो क्या करें, अब करना है तो करना है कहीं, मतलब कि अभी तो वैसे भी चलिए अभी तो यहाँ है, कहीं कभी अलग, मतलब कि अलग अलग रहना पड़े, इनका पोस्टिंग कहीं आ जाए तो फिर मुझे मतलब कि अलग रहना पड़े तो फिर मैनेज कर लेंगे। वैसे तो मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, बताते रहूँगी क्या होगा क्या नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही बताती हूँ मेरे लाइफ के बारे में। और आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल में जो भी नए हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।